आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस सैफुद्दीन के साथ। आज बीजापुर के जिला अधिकारी वाईएस पाटिल ने स्वराज एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि बीजापुर में अब तक कोरोना वायरस की एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। जिला प्रशासन लॉकडाउन करने में सफल रहा है और सभी निवासियों को घर में रहने की अपील की है। विजयपुर जिले में 331 को विदेश से आया है और उसमें 28 डेज 52 लोगों ने कंप्लीट किया है और 15 to 28 डेज वो तो रिपोर्टिंग टाइम है, उसमें 196 लोग है और अभी होम क्वारंटाइन में 83 लोग है और ज़िले से 8 लोगों का परीक्षा करने के लिए भेजे थे, वो 8 रिजल्ट नेगेटिव आया है। सर, ये जो आप भेज रहे हैं कहाँ, बीजापुर लोकल ही हो रहा है टेस्ट या बाहर भेजना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये तो टेस्ट सेंटर है, वो एक शिवमोग्गा में है और कलबुर्गी में है और बेंगलुरु, अभी तो शिवमोग्गा और बेंगलुरु बेच रहे हैं, वो तुरंत आता है और वो रिजल्ट तुरंत आता है, 24 आवर्स में रिजल्ट मिल रहा है। और सर, यहाँ पे जो लोगों को रखा गया है बीजापुर में कहाँ पे रखा गया है? अभी तो 2-3 जगह है और एक तो काका कारखाने सिटी में और हॉस्टल आइडेंटिफाई किया है और ये उसके लिए खाना पीना और शेल्टर के सब कुछ अरेंज सब कुछ अरेंजमेंट किया है इधर। सर, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो भी हॉस्पिटल है प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें जो लोग काम कर रहा था, अभी काफ़ी लोग लोग काम को नहीं आ रहे, उनको पूछ रहे थे, उनका गाड़ी का दिक्कत हम लोग नहीं हो पा रहे, हॉस्पिटल वाले उनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, गाड़ी से रहना या जाना कुछ भी नहीं कर रहे, काफ़ी सारे लोगों को हमें जाके घर छोड़ के आए। नहीं नहीं, अभी इसमें दो अलग अलग बात है, एक तो है गवर्नमेंट का है और दूसरा बात है प्राइवेट का है। प्राइवेट के लिए तो इधर से कुछ अरेंज नहीं कर रहा है क्योंकि वो हॉस्पिटल अभी मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल अभी बंद है, वो चालू है उसके लिए तो सब पास कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर लोगों को और इसेंशियल सर्विस लोगों को और उसके तरफ से वो आइडेंटिटी कार्ड वो ही इनफ है, हाँ जा सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बीजापुर में काफ़ी सारा बाइक को या कार को पर स्टिकर प्रेस लिख के लोग आपस में घूम रहे हैं, हालांकि प्रेस नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट उनको फॉलो करें, क्योंकि जो भारतीय अधिकारी जो लिस्ट है, लिस्ट में जितना लोगों का नाम है उतने को अवेलेबल न्यूज़ करने के लिए बोला गया। अभी उसके बारे में बहुत कुछ चर्चा हो गया है, अभी इसी वक्त वो टाइम नहीं है उसके लिए, डेफिनेटली आफ्टर दिस विल टेक सम एक्शन अगेंस्ट देम। हाँ, और बीजापुर जिले के लोगों के लिए मैं जिला डायरेक्टर से इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वो कोरोना लकीली जिले में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, वो कोरोना से वो प्रिकॉशंस कुछ है ना, सब प्रिकॉशंस लेने का और कोई डराने के बात नहीं है और कुछ वो दो टू व्हीलर के बारे में और कुछ पुलिस के बारे में साहब ने इस पर सब ओके। उसके लिए अभी मीटिंग हुआ है होलसेल एप और हाँ वो चल रहा था, उसके बारे में सब कुछ अरेंज किया है, वो होलसेल वाले वो अरेंज करता है, अभी 2-3 दिन में वो सब कुछ। लॉकडाउन के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से हो रहे कार्य के बारे में जिला के एसपी अनुपम अग्रवाल ने जानकारी दी। विजयपुर जिले में भारत देश की तरह पिछले 6 दिनों से लॉकडाउन है और लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट जो है 24 घंटे लगा हुआ है और हमारे अधिकारी हमारे सिबंदी लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटी में एकदम पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ उनको ड्यूटी दी है वहाँ बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में वो अपना काम कर रहे हैं।
पहले 2-3 दिन जरूर रहना, क्योंकि एक बड़ा मैसिव डिसीजन था लॉकडाउन करना, इतने बड़े जिले को और इतने बड़े देश को आसान नहीं होता है। तो बहुत सारी है ना जो है समस्याएं आई है, लोगों को भी समस्या आई है, तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी समस्या आई है। लेकिन ये एक हम बड़े कॉज के लिए कर रहे हैं तो इसमें कोई खास बात नहीं है। अभी जो जो समस्या आई है, जैसे खाने पीने की समस्या हो या उनके रेस्ट की समस्या हो, वो हमने जो है डिपार्टमेंट ने उनका ध्यान रख रहा है। उनको जहाँ जहाँ है वहाँ पर उनको उनकी क्वालिटी के लिए हिसाब से खाना पहुँचाया जा रहा है। और दूसरी बात है, लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने की बात है, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत सारे एक्शन भी लिए हैं। सबसे पहले हमने जो है जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो अवेयरनेस ड्राइव जो है लोगों के अंदर संदेश पहुंचाना कि लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है, नहीं हुआ तो उससे उनको क्या नुकसान होगा और देश को क्या नुकसान होगा, काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल रहे हैं। आप देखेंगे तो शहर की जो गलियाँ हैं वो सुनी हैं, ज़्यादातर लोगों का मूवमेंट नहीं है। और उसके बावजूद भी आप सबको पता है कि कुछ लोग जो हैं वो अनिवार्य रूप से बाहर निकलते हैं, जो 10% लोग जिन्हें हम कह सकते हैं, तो 5-6% ऐसे लोग हैं या उससे ज़्यादा जो इमरजेंसी काम के लिए निकलते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो या सुबह सुबह मेडिकल की या मतलब सब्जियां खरीदने के लिए हो, दूध की सप्लाई के लिए, बहुत सारे कामों के लिए निकलते हैं। उनके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना बिना मतलब के निकलते हैं। तो जो लोग अनिवार्य से निकलते हैं उनको जो पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है और हम उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। उसके अलावा हमने एक और काम किया कि जो शहर के अंदर जो है अंदर की गलियों में और मेन बाज़ार में जो है बैरिकेडिंग की, ताकि जो लोगों का फ्री मूवमेंट कम हो, उससे भी हमें काफ़ी बहुत सक्सेसफुल मिले। इसके बावजूद भी कुछ लोग जो है नहीं सुधरे, तो उनको ना हमने ना उनके ऊपर जो है सबसे पहले क्रिमिनल केस करने स्टार्ट किए हैं। कुछ लोगों ने जिन्होंने क्वारंटाइन के रूल जो वायलेट किए या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश आए थे उनका पालना नहीं किए, तो उनके ऊपर हमने बहुत सारे केस लिए हैं। कम से कम 10 केस अभी तक हमने दाखिल किए हैं। कुछ लोग फेक न्यूज़ अप्लाई कर रहे थे फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू, उनके ऊपर भी केस हुए हैं। तो इस तरीके से जो है लोगों के अंदर मैसेज पहुंचाने की कोशिश जा रही है कि जो ये जो लड़ाई है वो हम सब की लड़ाई है, और इसमें जो भी इसका साथ नहीं देगा उसके ऊपर हम जो है पुलिस प्रशासन क्रम ले एक्शन लेगा। इसके अलावा हमने पिछले कुछ 4-5 दिन से एक मुहिम स्टार्ट की है कि जो भी बाइक्स राइडर्स बिना मतलब के शहर के अंदर घूमेंगे उनकी जो है बाइक को सीज़ किया जाएगा। इस मुहिम के मातहत कम से कम 400 बाइक हमने सीज़ की है पिछले 3 दिनों में। तो ये जो बाइक सीज़ हुई है उनका जो है पूरा वेरिफिकेशन चल रहा है। साथ में जब तक कि ये जो COVID-19 की जो महामारी है ये जब तक कंट्रोल में नहीं आ जाएगी और जब तक लॉकडाउन कंटिन्यू है, ये बाइक्स हमारे कंट्रोल में रहेगी और ये सब हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। साथ में जनता को मेरा जो संदेश यही है कि ये जो लड़ाई है वो पुलिस प्रशासन या कुछ लोगों की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। हम सबको साथ में हाथ जोड़ के लड़ना है। आप लोग अंदर रहेंगे तो ये जो लड़ाई है वो हमारे लिए सहयोग देने जैसे होगा। आपका अंदर रहना हमारा साथ देना जैसा है। आप बाहर निकलेंगे तो आप जो है इस लड़ाई के विरुद्ध जा रहे हैं और इस पे फिर पुलिस जो है और प्रशासन जो है एक्शन लेने के लिए मजबूर होगा। तो मैं आपसे आगे फिर से ये विनती कर रहा हूँ कि आप अपने घर में रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। और खबरों के लिए बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।